देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास वार्षिक विशेषांक पॉजिटिव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। साल 2017 विदा होने को है और कई नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ 2018 हम सबकी जिंदगी में दस्तक देने जा रहा है। हर बीतता हुआ साल अपने साथ कई ऐसी सुनहरी यादें और कई अहम नसीहतें हमें दे जाता है, जिनके सहारे हम आने वाले समय में नई इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच और जिजीविषा के साथ अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। 2017 भी कई मायनों में खास रहा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम ऐसी ही कुछ सकारात्मक मुहिम की चर्चा आज आपके साथ करेंगे, जिनके जरिए 2018 में हमारे संकल्प और प्रबल हो सकें, हमें एक नई प्रेरणा मिले और हम उस प्रेरणा के साथ 2018 में कुछ और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित हों और भी ज़्यादा हौसले के साथ आगे बढ़ सकें। तो हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए कुछ ऐसी हमने चुनिंदा स्टोरीज, कुछ खबरों को, केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित कुछ खास रिपोर्ट्स को हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, जिनके जरिए आप जानेंगे कि किस तरह हमारा देश सकारात्मक तौर पर, हमारे देश में सकारात्मक तौर पर एक नया माहौल स्थापित हो रहा है, देश बदल रहा है और सिर्फ बदल ही नहीं रहा है बल्कि आगे भी बढ़ रहा है। देखते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग को कई तरह की सौगातें लगातार दी जा रही हैं, जिनका असर समाज में सकारात्मक और स्वस्थ माहौल के प्रसार में भी देखा जा रहा है। इन तमाम योजनाओं में सबसे खास है स्वच्छता अभियान। सरकार का उद्देश्य स्वच्छता अभियान के जरिए सिर्फ बाहरी स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए आत्मिक और मानसिक शांति के साथ आंतरिक स्वच्छता पर भी सरकार का जोर रहा है। भोपाल की शान है भोपाल का बड़ा ताल। कहते हैं तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। भोपाल के नागरिकों के साथ इसे साफ करने का जिम्मा उठाया है वेबकॉस ने। वेबकॉस लिमिटेड जल संसाधन के क्षेत्र में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत परामर्शी सेवाएं देता है। वेबकॉस के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। इनकी टीम में न सिर्फ सरकारी कर्मचारी बल्कि आम जनता भी सहभागी होते हैं। टीम शहर के ताल तलैयों की सफाई तो करती ही है, इसके साथ ही साथ लोगों को तालाब गंदा ना करने की समझाइश भी देती है। वेबकॉस टीम ने मिलकर ये सफाई का अभियान चलाया है। वैसे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये काम अपने से करना चाहिए। इससे लोगों को अवेयर होंगे कि अपन को कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, प्रॉपर डस्टबिन में रखना डालना चाहिए। काफ़ी सारे स्कूल के लोग और कॉलेज के लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, हमें बोल पूछते हैं कि हम कहाँ पे सफाई कर रहे हैं, और जब हम ये सफाई करने आते हैं तो आसपास के स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं और मिलके ये काम करते हैं, जिससे हमारी भी हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हम काफ़ी अच्छे से साफ सफाई रख पाते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो भी एज अ वॉलंटियर आगे होके आ रही हैं और वो इंश्योर कर रही हैं कि उनके आसपास कोई भी गंदगी ना हो, स्वच्छ रहे। और वेबकॉस की तरह हम लोगों का भी यही नारा है कि भोपाल सबसे प्यारा है। वेबकॉस टीम भोपाल का मानना है कि स्वच्छता की दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। भोपाल के तालाब इस शहर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं और इन तालाबों के किनारे साफ सुथरे रहें, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छता का संदेश देने के लिए वेबकॉस टीम भोपाल ने डॉक्टर उदय रोमन के निर्देशन में भोपाल का नारा नाम से गीत भी बनाया है। भोपाल वेबकॉस टीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गंगा क्लीनिंग एंड रिवर डेवलपमेंट के अंडर में आती है और हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो क्लीन हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदियां हो, चाहे कैनाल्स हो। तो भोपाल वेबकॉस टीम ये काम करती है कि हमारे यहाँ क्योंकि लेक्स काफ़ी हैं, सिटी ऑफ भोपाल लेक सिटी बोलते हैं हमें, तो हमारी सारी टीम हर हफ्ते जाती है लेक्स के किनारे पे, जो कचरा होता है उसको साफ करती है। हम संदेश देते हैं, हम स्वयं भी कचरा उठाते हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो यहाँ पे कचरा उठाते हैं और हमने, आपने देखा होगा, यहाँ प्लांटेशन वगैरह भी किया है जिससे कि लोगों को लगे परिसर हमें स्वच्छ रखना है। तो ये संदेश हम जगह जगह फैलाते हैं, शाहपुरा में ही नहीं पूरे भोपाल में घूम घूम कर हम ये संदेश पहुँचाते हैं, ग्रामीण अंचलों में जाते हैं।
ये एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा नई पीढ़ी जो है गानों के माध्यम से समझती है कि हम कुछ करना चाहिए, तो हमारे जो नौजवान हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसको एक गीत के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो अभी हम काम कर रहे हैं, हम गाते गाते जो काम करते हैं, क्यों ना इसे गीत का रूप दिया जाए, जिसमें कि हमने लोगों को बताया है कि जैसे सीवेज का पानी है उसको भी तालाब में ना जाने दें, कचरे को भी तालाब में ना जाने दें और कोई भी गंदगी आप आसपास में ना करें, इस गीत के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाया। घाट हैं उनमें जो पानी है उसकी सफाई होना चाहिए, वो पानी नेचुरली जमीन के अंदर भी जाता है और हमारे ज़मीन के सोर्सों को भी दूषित करता है अगर वो साफ़ नहीं रहे तो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके किनारों की सफाई की जाए। हम लोग जब आते हैं तो आजू बाजू के लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं, वो भी साथ में आते हैं, हमको देखते हैं और हमारे साथ काम करने लग जाते हैं। किनारों की सफाई, वातावरण की सफाई और खासकर झीलों के, इसलिए कि पानी सबसे ज़्यादा ऐसी सोर्स है जो कंटेमिनेट बहुत जल्दी होता है, इसलिए इसको साफ़ करना बहुत आवश्यक हम मानते हैं। पिछले 6-8-10 महीनों से जो प्रयास चल रहा है, काफ़ी लोग प्रेरित हो रहे हैं, घाट साफ़ हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो हम अपने प्रयास में, चाहे ये बहुत छोटा सा प्रयास है पर सार्थकता हमें मिल रही है। भोपाल के तालाबों की अविरल धारा यूं ही बहती रहे, ये वेबकॉस भोपाल टीम का सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए भोपाल की वेबकॉस टीम न केवल भोपाल के तालाबों की बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी स्वच्छता का मंत्र फैला रही है। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ पूजा पीवर्धन, DD न्यूज भोपाल। काल हमारे सुंदर जिनका स्वच्छ किनारा हो, भोपाल का तारा अविरल तारा निर्मल तारा हो, काल हमारे सुंदर जिनका स्वच्छ किनारा। वित्तीय समावेशन और हर भारतीय का बैंक खाता खोलने के मकसद से शुरू की गई जनधन योजना ने आज हर गरीब को मुस्कुराने का मौका दिया है। इसके कारण आज शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को उनके अपने बैंक अकाउंट में तो प्राप्त हो ही रहा है, इसके साथ ही पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आई है। सूक्ष्म मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। आर्थिक गतिविधियों में लोगों को शामिल करने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया कि वित्तीय छुआछूत के शिकार गरीब नहीं रहेंगे, जिसके लिए लाई गई प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने का ऐतिहासिक काम। आखिर क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्ग और कम आय वर्ग को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेक्षण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इस योजना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज से पहले कभी भी एक ही दिन में 1.5 करोड़ बैंक खाते नहीं खुले। एक साल में 7.5 करोड़ बैंक खाते खुले थे, लेकिन 2017 की 13 दिसंबर तक 30 करोड़ 70 लाख खाते खुले, जिनमें 18 करोड़ 7 लाख खाते ग्रामीण और 12 करोड़ 66 लाख खाते शहरी इलाके में हैं। भोपाल में 13 दिसंबर 2017 तक 12 करोड़ 81 लाख 6,469 ग्रामीण खाते और 13 करोड़ 84 लाख 8,196 शहरी खाते खुले। अब तक 26 करोड़ 66 लाख 4,665 खाते हैं। जमा धन करीब 4,000 करोड़ रुपए है। विदिशा ऐसा जिला है जहां 100% खाते खुले, 3,37,000 लोग इससे जुड़े। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार किसानों को मुआवजा बांटा गया। जनधन खाते से जीरो बैलेंस पे खुला हुआ है ये, तो इससे पहले कोई खाता नहीं था। उससे स्टूडेंट के लिए फायदा है कि जो भी स्कॉलरशिप वगैरह जो भी कुछ आता है सब उस अकाउंट में आ जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन करना होता है सब उससे हो जाता है। अदर खाता पैसे लगा के खोलना नहीं पड़ता, जीरो बैलेंस पे खुला हुआ है। जनधन योजना वाला है ना, वो खाता है, 1.5-2 साल हो गए जब खुलवाया था, उसमें तो फायदा मिल नहीं है। उसमें तो आगे चल के मिलेगी उसका फायदा, मकान वगैरह भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा, लोन वोन मिलेगा, उसमें नगर पालिका से पैसा भी मिलेगा, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी सरकार की तौर से। वो मतलब कहीं से पैसे आते हैं तो हमारे खाते में आते, कोई नहीं निकालता, हम ही जान के निकालते हैं। मतलब घर वाले भी कोई नहीं निकाल सकते, जो हमारा नाम है हम ही निकाल सकते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जनधन योजना एक ऐसी योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। गरीब और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को अधिक सुविधापूर्ण और स्वास्थ्यकर बनाने के लिए उज्ज्वला योजना वरदान साबित हुई है। इससे महिलाओं को ईंधन की कड़ी मशक्कत के लिए अब भटकने से तो राहत मिली ही है, इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये एक अद्भुत पहल साबित हुई है। भोपाल से लगा हुआ ये है सेवनिया गोंड गांव और यहीं पर रहता है गौराबाई का परिवार।
आज से कुछ महीने पहले तक गौराबाई लकड़ी से जलने वाले चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। एक तो चूल्हे के धुएं से प्रदूषण होता था, जिससे उन्हें और उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। दूसरा, समय ज्यादा लगने के कारण ज्यादातर समय खाना बनाने की मशक्कत में ही चला जाता था, और बरसात के मौसम में तो स्थिति बद से बदतर हो जाती थी। लेकिन उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्हें जब से LPG कनेक्शन मिला है, उनका जीवन ही बदल गया है। अब वे आसानी से प्रदूषण मुक्त होकर खाना तो बना ही पा रही हैं, साथ ही बचे समय में काम करके अपने परिवार को सहयोग भी दे रही हैं। हम लोगों में मतलब बहुत फायदा हुई इस चीज से, मतलब चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है, मतलब गैस अच्छा है, और मतलब सभी चीज में फायदा है सर। अब आँखों में दिक्कत होती थी सर पहले, अब नहीं होती। मतलब पहले ज्यादा प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं है गैस से। और पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, फूकना पड़ता था, लकड़ी लेने जाना पड़ता था बाहर, मतलब तो बहुत दिक्कत पड़ती थी हम लोगों को। ये सिर्फ गौराबाई की ही कहानी नहीं है। सेवनिया गोंड में गीताबाई और सरिता पत्तेती जैसे और भी सैकड़ों परिवार हैं, जिनका उज्ज्वला योजना के कारण जीवन बदल गया है। अब इस इलाके में लकड़ी से चलने वाला चूल्हा दूर की बात हो गई है, लकड़ी का चूल्हा रसोई के बाहर हो गया है। उज्ज्वला योजना इन परिवार के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। अभी 8-10 महीने हुए होंगे हमें गैस सिलेंडर मिला है, तो पहले हमें ये दिक्कत होती थी खाना बनाने में, तो आग से लकड़ी ढूंढने जाते थे, आग से लगाते थे तो धुआं लगता था, तो हमारी आँखों में परेशानी होती थी, सर दर्द होने लगा था। और अभी जो 8-10 महीने हुए होंगे तो हमें गैस सिलेंडर मिल गया है, तो उससे हमें बहुत परेशान आसान हो गए हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे से खाना खिला पाते हैं, अच्छे टाइम पे स्कूल भेजाते होंगे। पहले चूल्हा जलाते थे, धुआं होता था, चक्कर आते थे, आँखों में दर्द होता था। अब जो है गैस मिल गई, अब खाना जल्दी से बन जाता है, टिफिन लग जाता है, बच्चे टाइम से स्कूल चले जाते हैं। उज्ज्वला योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके जीवन का प्रकाश चूल्हे से निकलने वाले धुएं ने रोक रखा था। ये योजना लोगों के पारिवारिक जीवन के अलावा उनके सामाजिक जीवन में भी एक बड़ा बदलाव ला रही है। उज्ज्वला योजना ने सेवनिया गौर जैसे गाँव के लोगों की तकदीर बदल दी है। इस योजना के माध्यम से एक ओर जहां महिलाओं को चूल्हे और धुएं से मुक्ति मिली है, वहीं दूसरी ओर इसका जो बदलाव है वो सामाजिक क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। अब महिलाएं पहले से ज्यादा सक्षम हुई हैं और अपना योगदान अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए दे पा रही हैं। कैमरा पर्सन शर्मा के साथ अजीत द्विवेदी, DD News भोपाल। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य सवारें। सवारी जिंदगी, चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अब लड़कियां ड्राइव करेंगी तो यही होने वाला है ना? मैं समझ में ये नहीं आता कि इनको एडवेंचर करने क्यों है? और क्या? भाई जो तुम्हारे काम है वो करो, पढ़ो लिखो, शादी ब्याह करो, और ड्राइविंग का काम मर्दों पे छोड़ दो। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके विमान की कप्तान आकृति फ्लाइट डेक से बात कर रही हूँ। हम कुछ ही देर में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे, कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें, धन्यवाद। सुनो, मेरी बेटी है आकृति। बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अपना खुद का घर आखिर किसका सपना नहीं होता है? वर्ष 2022 तक हर आवासहीन को उसका खुद का घर मुहैया कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर उस व्यक्ति के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है जो वर्षों से एक अदद आशियाने का सपना संजोए हुए थे। गांव की ये खुशहाल तस्वीर नए भारत की एक सकारात्मक तस्वीर बयां कर रही है। बीते एक साल के दौरान प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों के लिए आवास निर्माण का कार्य तेजी से शुरू किया गया है।
सरकार की मंशा वर्ष 2022 तक देश के हर नागरिक को उसका अपना घर मुहैया कराने की नीति के तहत आवास निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। बेघर और कच्चे मकान में रह रहे ग्रामीणों के लिए आवास योजना एक सपने को साकार करने जैसा है। मैं ग्राम पंचायत लुघरावड़ा में निवास करती हूँ। मैं मजदूरी का कार्य करती हूँ और मुझे शासन द्वारा पीएम आवास का लाभ दिया गया, इसके कारण से मैं अपना मकान भी मैंने प्राप्त कर चुकी हूँ और मैं इससे बड़ी खुश हूँ। हम इस मकान को लेके बहुत खुश हैं। पहले कच्चे घर में रहते थे, अब पक्के घर बन गए हमारे और हमारा परिवार भी सुखी रहने लगा। हर नागरिक के आवास का सपना साकार करने के मकसद से शुरू की गई ये योजना ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा से इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाना है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक कच्चे मकानों में जीवन गुजार रहे लोगों के लिए पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। इससे जहां इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है, वहीं आत्मसंतोष भी झलकता है। हम पहले कच्चे मकान में रहते थे और वहां पे पानी भी चूहता था और घर में मतलब जी जानवर के भी डर रहता था। प्रधानमंत्री आवास से मतलब हमारे को बहुत सुविधा मिली और मकान अच्छा मिल गया। शासकीय योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी है जब वे समाज के अंतिम छोर पर रह रहे लोगों की मदद करने में सफल हो। ये तभी संभव है जब योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हो और इनका वास्तविक लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे। कह सकते हैं इस मायने में वर्ष 2017 ने एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत की है। ब्यूरो इनपुट के साथ पंकज शर्मा, GD न्यूज भोपाल। साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी इन्हीं में से एक है, जिसके कारण आज सिंचित भूमि के रकबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और किसान भी साल में कई बार अपने खेतों से कृषि उपज ले पा रहे हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई कृषि कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। शिवपुरी जिले के किरौली गांव के किसान जनवेद प्रजापति और रातौड़ गांव के जसविंदर बताते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पानी के किल्लत से काफी हद तक राहत मिली है। सिंचाई की माकूल व्यवस्था से सब्जी उत्पादन भी बढ़ा है, साथ ही आमदनी में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री कृषि योजना में हमने बहुत अच्छा लाभ लिया है। ड्रिप से हमने ये ड्रिप लगवाई थी और इससे पहले पानी का बहुत खर्च होता था और अब पानी बहुत कम लगता है। इससे न मात्र के लिए पानी लगता है, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी उसके अंतर्गत हमें बहुत लाभ मिला है। हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों का सहयोग रहा है, जिससे हम आज बहुत अच्छा उत्पादन ले पा रहे हैं। टमाटर में बहुत पैसा हमें मिल रहा है, टमाटर में पानी की हमारी बचत हो रही है। जो भी ड्रिप के द्वारा खाद दी जाती है, जमीन में अपने उर्वरक दिया जाता है, वो भी आसानी से चला जाता है और पानी की बचत होती है और उत्पादन में चौगुना फर्क पड़ा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि सिंचाई योजना ने खेती को जहां आसान बनाया है, वहीं उन क्षेत्रों में भी जहां वर्षा की कमी के चलते अब तक किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, ऐसे इलाकों में किसान अब दो दो फसल ले पा रहे हैं। मैंने सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप लगवाया है खेत में, उससे मेरा प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ है। उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी सलाह से मैंने ये काम किया है तो इसमें पानी की बचत हुई और उत्पादन अच्छा मिला है। मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से लागू की गई ये योजना किसानों के लिए काफी लाभदायक है। हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना ने जहां किसानी को आसान बना दिया है, वहीं खेती को लाभ का धंधा बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंकज शर्मा, DD न्यूज भोपाल। भाइयों और बहनों, आज हम आयोडीन युक्त नमक की चर्चा करेंगे। आयोडीन की कमी से गले का घेंगा रोग, शरीर व दिमाग की कई बीमारियां हो सकती हैं। इन्हें रोकना है। आयोडीन बच्चों, बड़ों, हम सभी के लिए जरूरी है और इसकी पूर्ति आयोडीन युक्त नमक से हो सकती है। आयोडीन युक्त नमक और साधारण नमक की कीमत
फर्क मामूली सा, और फायदा आयोडीन युक्त नमक तो अनमोल है अनमोल। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज, कई हफ्तों से आवाज कर रही है। अभी देख लेते हैं, मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हजमा। आप बैठिए। आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए, तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जाँच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाँच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेज टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा। पॉजिटिव इंडिया के निर्माण में सिर्फ शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि कई सामाजिक संस्थाएं भी अपना अहम योगदान निभा रही हैं। राजधानी भोपाल की परवरिश दा म्यूजियम स्कूल नामक संस्था भी इन्हीं में से एक है, जो राजधानी के कई बेसहारा गरीब बच्चों के समग्र विकास के लिए सराहनीय काम कर रही है और सेवा एवं समर्पण की अद्भुत मिसाल लोगों के सामने पेश कर रही है। ये नजारा है एक ऐसे स्कूल का जहां ना तो बड़े बड़े क्लासरूम है, न भारी भरकम स्कूल बैग, न ही बच्चों से किसी प्रकार की फीस ली जाती है। ये है भोपाल का परवरिश स्कूल, जहां बच्चों को म्यूजियम के बीच सजीव एहसास के साथ पढ़ाई कराई जाती है। यहां बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं साइंस म्यूजियम में, इतिहास पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी म्यूजियम में, वहीं पर्यावरण की पढ़ाई नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में होती है। यानी बच्चों को आदर्श जीवन का हर फलसफा सिखाया जाता है, वो भी खेल खेल में। हम जितने भी स्लम्स के बच्चे हैं उनको सारे स्लम्स से इकट्ठा करके वैन या बस के थ्रू उनको लेकर जाते हैं साइंस सेंटर, आरएमएनएच, मानव संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम, और वहाँ पे बिना विदाउट बुक्स एग्जिबिट्स, जैसे साइंस सेंटर है वहाँ पे हम लोग जाकर उनको प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। ये 8 स्लम से हमारे बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि एक अच्छे घर के बच्चों को सारी सुविधा मिलती है, उनको अपने स्टॉप से बस लेता है, स्कूल जाते हैं, टीचर्स अच्छा मिलता है, तो हमने भी सोचा क्यों ना यही सेम चीज़ इन बच्चों को दिया जाए, ये सेम फैसिलिटीज इन बच्चों को दिया जाए। तो हमारी खुद की बसेस जो हैं इन बच्चों को उनके स्लम से पिक करती हैं, इन म्यूजियम्स तक लाती हैं, और हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं एंड टीचर्स जो सेम स्लम से आते हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो सेम स्लम से आते हैं, वो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और म्यूजियम स्टाफ भी हमें इस चीज में बहुत पढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। परवरिश की स्थापना करीब 12 साल पहले भोपाल की शिवानी घोष ने की। शिवानी ने सुविधाओं के अभाव में जी रहे बच्चों को अनूठे तरीके से पढ़ाने की शुरुआत 2005 में 40 बच्चों के साथ की। म्यूजियम के जरिए शिक्षा देने के इस प्रयास के लिए शिवानी को यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ये एक ओनली मॉडल है हमारे कंट्री का, जिसके कारण हमें 2016 एजुकेशन इनोवेशन यूनेस्को एजुकेशन इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया है परवरिश द म्यूजियम स्कूल को। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि किस तरीके से म्यूजियम्स को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टीचिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। परवरिश संस्था इस बात का भी ध्यान रखती है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को पारंपरिक स्कूलों में दाखिला मिले, जिससे आने वाले जीवन में बच्चों को नौकरी पाने में कठिनाई ना हो। भोपाल की अलग अलग गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ पेंटिंग, डांस, सिंगिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। हमें बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाते हैं, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, टी शर्ट पेंटिंग्स, सिंगिंग, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जिससे हमारा करियर भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सारे बच्चों को। एक्टिविटी, डांस, पढ़ाई भी होती है और पेंटिंग, सिंगिंग, डांस, ये सब होता है। शिवानी घोष और परवरिश में काम कर रहे इन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज करीब 150 से भी अधिक निर्धन परिवारों के बच्चे इस अनूठे स्कूल में शिक्षा पाकर अपना भविष्य संजो रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ पूजा अभिवर्धन, डीडी न्यूज़ भोपाल। एक सशक्त और सकारात्मक देश का निर्माण तभी संभव है जब बेटों के साथ बेटियां भी राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। महिला सशक्तिकरण और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है। इसकी बदौलत स्त्री पुरुष अनुपात में तो सुधार आया ही है, साथ ही बेटियों को मिल रही सुविधाओं के कारण वे आज हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद कर रही हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को लेकर सरकार ने लगातार प्रयास कर रही है। लगातार जो रेशियो है वो गिरता जा रहा है और उस रेशियो को इक्वल करने के लिए सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या केवल ये सरकार का काम है? ये काम है हमारा और आपका, हम जैसे आम जनता का, और इसी काम का बीड़ा उठाया है मीणा दंपति ने। IRS मीणा दंपति जो है वो लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ कई शहरों में और कई राज्यों में इस तरीके का संदेश लोगों को दे रही हैं और एक कैंपेन चला रही हैं जिसका नाम है कैंपेन ऑन व्हील्स। इस कैंपेन के तहत वो गाड़ियों में पोस्टर्स लगाती हैं, जिस तरीके के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जाते हैं, लोगों को समझाइश दी जाती है और वो लोग विभिन्न पोस्टर्स के माध्यम से, पंपलेट्स के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आज हमारे देश में क्या स्थिति है। यह भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी HN मीणा और उनकी पत्नी डॉक्टर हेमलता। इस दंपत्ति ने देश भर में घटती बेटियों की संख्या में सुधार और लोगों में जागरूकता लाने के लिए शुरू किया कैंपेन ऑन व्हील अभियान। मीणा दंपत्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के उद्देश्य से इस अभियान को चला रहे हैं, जिसके तहत वो हाईवे से लेकर शहर की सड़कों में चल रहे वाहनों पर इस तरह के स्टिकर चस्पा कर लोगों को जागरूक करते हैं। 2016 में शुरू हुए इस कैंपेन ऑन व्हील अभियान का असर ये हो रहा है कि अब प्रदेश और आसपास के अन्य प्रदेशों में चलने वाले ट्रकों और गाड़ियों में इनका संदेश देते ये स्टिकर आसानी से देखे जा सकते हैं। कैसे शुरू हुआ ये कैंपेन ऑन व्हील जानते हैं इस दंपत्ति से। हमें लग रहा है कि बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे व्हीकल्स पर हमें ये मैसेज देखने को मिल रहे हैं, अभी दिल्ली हरियाणा उसके आसपास तो ट्रकों पर और सब जगह इसका ये असर हुआ है कि अभी सभी ने शेरो शायरी छोड़ के बेटी बचाओ का मैसेज लिखना शुरू कर दिया। और मेरा ये मानना है कि बेटी बचाओ का जो एक नारा है वो तभी सफल होगा जब देश में हर आदमी बेटी बचाने के लिए आगे आएगा और जनमानस में मानसिक परिवर्तन आएगा। और मानसिक परिवर्तन के लिए जरूरी है कि उनको एक स्ट्राइक हो कहीं ना कहीं। और मेरा ये मानना है कि जैसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरे देश में दीवारों पर, व्हीकल्स पर ये संदेश आए थे कि हम दो हमारे दो, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण वास्तव में हुआ, उसका सामाजिक असर हुआ, और इसी तरह से हम जब लोगों तक पहुंचेंगे, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं लोगों के जनमानस के अंदर ये बात गहरे में उतरेगी और बेटी बचाओ का एक हमारा जो प्रयास है वो सार्थक होगा। हम लोग वैसे तो सब तरीके से ये चला रहे हैं अभियान, लेकिन बच्चियों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग प्राइज का रखते हैं। जो बच्चियाँ बहुत अच्छा स्कोर करती हैं पढ़ाई के अंदर, टॉप करती हैं, तो उन्हें हम लोग मोटिवेट करने के लिए डिक्शनरीज देते हैं, स्कूल बैग्स देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं और काफ़ी लोगों के सामने देते हैं ताकि बच्चियाँ मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। और मैक्सिमम हम लोग उनको बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम पेरेंट्स को समझाएं कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए इतना मोटिवेट कर रहे हैं, आप आपके समाज में इधर उधर जितने भी लोग हैं उन्हें भी समझाइए कि जिस तरीके से हमारी बेटियाँ पढ़ के इतना नाम रोशन कर रही हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, तो आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उन्हें ऊँचे पद पर देखिए। मीणा दंपत्ति द्वारा चलाए जा रहे इस कैंपेन का असर है कि बड़ी संख्या में लोग भी अब इनके साथ जुड़ने लगे हैं। वहीं कई खास शख्सियतों ने भी इनके कैंपेन की सराहना की है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये कैंपेन चल रहा है इसी तरीके से अगर हर व्यक्ति सोच ले कि उसे बेटी पढ़ानी है और बेटी को बचाना है, तो ऐसे में जो इस देश में लिंगानुपात की जो गड़बड़ी है वो बढ़ रही है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है और हम फिर उसी भारत की ओर बढ़ सकते हैं जिस भारत में नारी को पूजा जाता है। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ दीपक जैन, DD न्यूज भोपाल। न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हमारे देश के इस विकास में सिर्फ शासन प्रशासन का ही योगदान नहीं है, बल्कि देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। यही वजह है कि अब सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता बल्कि देश के हालातों में और लोगों की फितरत में भी सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। यही बदलाव हमें ये कहने पर मजबूर कर देता है कि जी हाँ, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यही यदि विकास की यही रफ्तार आगे भी कायम रही तो निश्चित तौर पर हमारा देश दुनिया के मानचित्र पर अपना एक खास मुकाम जल्द ही हासिल करेगा। फिलहाल रुकते हैं यही हमारे इस कार्यक्रम में, आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश।
या देश बदल रहा है।